विशाल, वेलकम टू माय बुआस चैनल अगेन। और यहाँ आज बुआ व्लॉग शुरुआत नहीं कर रही है क्योंकि बुआ का आज है बहुत काम। ये है बुआ की बन रही आज पूरी। हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल, आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहे। और कविता भी इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो दोस्तों, आज सबसे पहले आप लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पे अभी पूरियाँ तल रही हूँ और पूरी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन। ये है मेथी की पूरी। तो वैसे तो आज शिवरात्रि है, मंदिर जाना होता है, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ घर में कल हमारे बड़े बेटे का बेटा हुआ है तो हम पे हुई है छूत, इसलिए हम मंदिर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए बच्चों को थोड़ा घुमाने के लिए कहीं ले जाऊंगी तो वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो उससे पहले बाकी बच्चे तो नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ मेथी की पूरी। तो बच्चों को नाश्ता नुश्ता करवा के उसके बाद जाऊंगी मैं। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत कर रहा है ओम। नहा धो के मैं हो चुकी, नहा तो गई हूँ, रेडी तो नहीं हुई हूँ, और पूजा भी मैं घर में नहीं कर सकती हूँ, इसलिए पूजा आज कर रही है, पूजा कर रही है पूजा। तो आगे कंटिन्यू करने के लिए ओम दिखाएगा आप लोगों को। चलो मैं दिखाता हूँ आपको मम्मी को। ये कर रही है मम्मी पूजा, यहाँ देख रहे हो। अब चलते हैं यहाँ से चुन। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, तुम भी हेलो, सिंधु दी हेलो बोलो। चल खा ले अब। अरे हो गया, बोल तो दिया हाय। तो मैंने बच्चों को भी करा लिया है नाश्ता, और बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नाश्ता कराने के बाद मैं बच्चों को अभी थोड़ा ले जाऊंगी शिव मंदिर। मैं तो नहीं जाऊंगी लेकिन बच्चे जाएंगे, ये पूजा बच्चे लोग जाएंगे, ममता लोग जाएंगे, हम यहाँ पे से सभी लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। अच्छा तू नहीं जाएगा? सोम कह रहा बुआ मैं नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाएगा मंदिर? तो चलेंगे यहाँ पे से, और कहाँ जाते हैं वो अभी देखते हैं। सोचा तो है कि रायपुर के वहाँ पे एक शिव मंदिर है तो वहीं जाएंगे। और अभी पूजा लोग जा रखे हैं, पूजा, ममता और रेखा, सरस्वती बिहार वाले मंदिर। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बच्चों को नाश्ता पानी करवा के, बर्तन वर्तन साफ करके, क्योंकि आज हमने दिन का भी नाश्ते ही में निपटा लिया है। और रेडी मैं हो चुकी हूँ, करती हूँ उन लोगों का इंतज़ार, वो लोग आते हैं तो फिर निकलते हैं हम। और जैसा भी होगा वो आप लोगों को बताऊँगी, आप लोग ब्लॉग में यूं ही बने रहना। और टीवी और सोम ये दोनों ऐसे हैं कि क्या बताएं। ये देखो लेट के देख रहा है टीवी, और चलेगा ना मंदिर मेला देखने, मेला भी लगता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मंदिर के साथ साथ मेला भी लगता है। तो हम लोग मेले में घूमेंगे, और जो मंदिर जाने वाले हैं वो अंदर मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे, हम तो नहीं जा पाएंगे। और मेरा सोमू भी जाएगा, है ना, मैं तेरे को मेले में घुमाऊंगी, भांग की पकौड़ी खिलाऊंगी। खाएगा भांग की पकौड़ी पहले? बोल, भांग की पकौड़ी नहीं खाना, देखना उसका टेस्ट कैसा होता है। बिना खाए नशेड़ी जैसा लगता है, तो खाएगा तो तू पता नहीं क्या महाभारत करेगा घर में। तो घर ही में रहेगा, टीवी देखेगा, ठीक है? फिर तो ये नहीं आएगा, ये घर पे टीवी देखेगा। तो हम लोग चलेंगे, ओके बाय। मैं अभी इंतजार कर लेती हूँ पूजा लोगों का। और हम जाने के लिए हो चुके हैं रेडी, टीम खड़ी है पीछे, और हम सभी लोग जा रहे हैं अभी रायपुर वाले मेले में। और वहाँ पे शिव मंदिर भी है और मेला भी लगता है, तो हम बच्चों को लेके जा रहे हैं। इधर पीछे आप भी अभी खड़ी है, और पूजा नहीं आ रही है मेरे साथ, मेरे साथ मतलब कि हमारे साथ, और बुआ के साथ हो चुका। पूजा मैडम इसलिए नहीं आ रही है कि पूजा मैडम को पढ़ाने हैं बच्चे, तो हम लोग जाएंगे सब और अभी हमारी वाली पूजा भी नहीं आई है, वो अंदर है, तो हम अभी पूजा का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बोलो, आपके साथ हो चुका है पोपट? कैसे, फोन नीचे गिर चुका? वही तो, फोन के दिन खराब आ रखे भाई, कसम से। इस फोन की, इस वाले के, इस वाले, इस वाले कैसे बार बार गिर रहा है, दो तीन बार वो भी हो चुका है। और इधर से पूजा भी आ चुकी है, और ये है पूजा। चलो चुनमुन को बोल लॉक कर देना, क्यों मैं खराब लग रही? मैं ऐसी ही रहती हूँ हमेशा, मैं ऐसी तैयार रहती हूँ। चुनमुन जा, चुनमुन अंदर से लॉक कर दे जा, और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना, ठीक है? और चलते हैं हम।
सीधा आगे। अब हम चलते हैं अब पूजा घर की ओर। चलो भाई आप शाम को मिलेंगे विमेंस डे पे। वह सही बात सही बात। पूजा उसकी तैयारी करके रखना। चलो ओके बाय जाओ। ओके बाय बाय बाय। ओके बाय बाय। और ये देखिए अभी आई हूँ मैं अपने सोसाइटी के पार्क में जो कि बहुत सुंदर बन चुका है। और कैसी बात कर रहा है इतना सुंदर बना हुआ है। और ये देख सकते हैं इस तरीके के हमारी सोसाइटी का पार्क बना हुआ है। बाहर से मैंने आपको अपने ब्लॉग में बहुत बार दिखाया लेकिन अंदर आकर के नहीं दिखा पाई थी तो वो अभी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है मैं यहाँ पे खड़ी हूँ बिल्कुल बीच सेंटर में। और ये देखिए कुछ इस तरीके का पार्क बन चुका है। बैठने के लिए चेयर वगैरह भी लगी हुई है सुंदर सुंदर। और इधर पे इस तरीके का बना हुआ है अगर किसी को धूप होती है बारिश होती है तो वो यहाँ पे जाके भी बैठ सकता है, धूप से भी बच सकता है और बारिश से भी बच सकता है। यहाँ पे बैठने के लिए चेयर लगी हुई है। यहाँ पे देखो यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे पार्क का आनंद ले रहे हैं। क्या कर रहे बच्चे पार्क का आनंद ले रहे हैं है? अच्छा लग रहा ना बनने के बाद। हाँ चिंकी कहाँ है? अंदर है। और ये देखिए पार्क का स्वागत कर ले। वेरी गुड यार। ये देखिए ये सारे हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं और सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं और पार्क का आनंद ले रहे हैं। ये देख सकते हैं आज छुट्टी भी है ना स्कूल की, एग्जाम हो गए ना छुट्टियाँ पड़ गए। वेरी गुड। और यहाँ पे बच्चे अच्छा पार्क का आनंद ले रहे हैं। ये भी हमारी सोसाइटी की है और ये मेरी फ्रेंड चिंकी की लड़की है। इसको तो आपने बहुत बार देखा होगा क्यों चल मेले में। और ये है बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे आनंद ले रहे। बच्चों को बहुत अच्छा हो गया है। नहीं तो पहले बच्चे परेशान रहते थे रोड पे घूमते रहते थे लेकिन अब इस तरीके का पार्क बनने के कारण बच्चे भी पार्क का आनंद ले रहे हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं हम मेले में। पार्क को तो मैंने आपको घुमा दिया क्यों हाँ। अच्छा लग रहा है ना पार्क? बस ये बीच में टेंट करा करा लगा दिया। नहीं यार बहुत अच्छा है पता। बस ये अच्छा नहीं लग रहा क्यों नहीं लग रहा वो पता किस चीज है। और ये पीछे से हमारी टीम खड़ी है गेट से बाहर तो मैं भी अभी फिलहाल निकलती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सुंदर सुंदर पेड़ हरे भरे पेड़ भी यहाँ पार्क में लगे हुए हैं जो आप पार्क के चारों तरफ लगे हुए हरे भरे पेड़ और बहुत ही सुंदर। जाने लगे बच्चों? हाँ वो लंच कर रहे हैं। अच्छा तो मैं अभी पार्क से बाहर आ चुकी हूँ और मेरे साथ के लोग आगे निकल गए हैं तो मैं भी चलती हूँ। आज देहरादून की मौसम की बात करें तो मौसम भी मस्त सुहावना हो रखा है। अच्छी सी धूप खिली हुई है बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर और मैंने पहनी है वुलन की स्वेटर जिसमें कि काफ़ी गर्मी का एहसास भी अब होने लग गया है लेकिन अभी फ़िलहाल तो चलेगा मेरा, सुबह शाम ठंडा है ही। और ये देखिए यहाँ घर से और क्रॉसिंग तक हमको पैदल जाना पड़ेगा, वहाँ से हम बस में बैठ के जाएंगे। और ये पीछे से हमारी टीम आ रही है। ये देखिए ये सब लोग ममता को गर्म हो रहा। और ये है बच्चे पार्टी और इधर पूजा और सोम भी आ रहे हैं पीछे से। सोमू हाय तो कर दो। तो बढ़ते हैं क्रॉसिंग तक पैदल। अब गर्मी इतनी हो रही है मैं सोच रही हूँ मैंने ये स्वेटर क्यों पहना। अंदर ऐसा लग रहा गर्मी अभी नहीं आई है लेकिन बाहर निकलो तो अब कॉटन के कपड़ों की जरूरत होने लग गई ना। ये उलन के बहुत गर्म हो रहे हैं वही तो क्योंकि आज तक हम बाहर नहीं गए के वैसे तो पता नहीं चल रहा था लेकिन आज पता चल रहा वाकई में गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। और हम अब कुछ दिनों बाद उलन के कपड़े बंद कर देंगे। आज लग रहा बहुत गर्म। कुछ लोग गर्मी से तड़पने लगे कुछ लोग तो ये होशियार लोग थे कुछ जो बिना स्वेटर के आए हैं। उलन के गर्म तो हैं लेकिन स्वेटर नहीं है। पूजा ने बोला स्वेटर की पहन ले बाहर तो गर्म है। हम बेवकूफ थे इतना मोटा पहन के आए। मेरे बाबू ने खाली नहीं लगी। पहुंच चुके हैं हम क्रॉसिंग पर। यहाँ पे कर रहे हैं बस का इंतजार। ये देखिए बच्चों ने पीछे इतना हल्ला मचाया हुआ है। ये है ओम और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसने क्या कहा स्कूटी वाले ने जब हम रोड क्रॉस कर रहे थे? उड़ा दे। ऐसे गंदे लोग भी होते हैं कुछ सही बात है जो दूसरों के बारे में गंदा सोचते हैं। मेरे पास एक चाबी है टकली बताओ गाड़ी निकल ली तो इसमें बैठते चलते हैं। अभी देखते हैं बस आ रही है पीछे से। आ गई आ गई बस।
अभी दूर है। ये देखिए आ चुकी है बस और बैठ जाते हैं हम लोग बस में। चलो भाई ए आ जा। हम पीछे चढ़ गया शायद। और बैठ चुके हैं हम बस में और आज बस का आनंद लेते हुए निकलेंगे रायपुर की ओर। और कुछ लोग पीछे हैं हमारे इनके मेंबर। सीट ही नहीं है कहाँ पे बैठूंगी। बस फ्री होनी चाहिए थी आज महिलाओं के लिए। आज तो होनी चाहिए बिल्कुल। ये देखिए बस में कुछ इस तरीके से बैठा जाता है। सीट हो गई है फुल और लोग खचाखच भर चुके हैं और इस तरीके से खड़े होके जा रहे हैं। ये आगे पीछे से भी आप देख सकते हैं इस तरीके से खड़े हुए हैं लोग। इसीलिए बस को बस कहते हैं। हर दो कदम पे बस रुक जाती है। मुझे सीट और अब बैठ चुकी हूँ मैं सीट पे। यहाँ पे लग चुका है खतरनाक जाम। तो यहाँ से थोड़ा ही सा आगे यहाँ से निकलेंगे हम पैदल और सभी लोग बस से उतरने लगे क्योंकि लगा हुआ है भयंकर जाम। तो पैदल पैदल निकल जाएंगे। पैदल पहुँच जाओगे जब तक। हाँ वही तो सही बोल रहे भैया। चलो 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 बिल्कुल अगस्त मुनि वाले भी आ जाओ। और बढ़ते हम इसी के साथ आगे की ओर पैदल पैदल क्योंकि खतरनाक जाम लगा हुआ है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको जाम कितनी दूर तक लगा हुआ है। जो पीछे बस दिखाई दे रही है मेरे जस्ट पीछे इस बस में हम यहाँ तक आ चुके हैं और जाम बहुत ही खतरनाक लगा हुआ है जिसको कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा जाम यहाँ पे लगा हुआ है। ड्राइवर को कहा आज महिला दिवस है महिला दिवस पे टिकट नहीं पाया। मैंने कभी तो बोला विष्णु का भी मत लो। मैंने कहा गोदी में है 5 साल का है। मैंने कहा भाई सीट दो। मैंने कहा इसको फिर इसका किराया लो। मैंने इनका मत लो इसका किराया। मैंने कहा महिला दिवस पे कम से कम महिलाओं को घूमने का जैसे वो दिल्ली में वो करता केजरीवाल बिल्कुल। और वैसे आप मोदी जी ने बस सिलेंडर पे 100 रुपए ऑफ के दे लेकिन मेरे तो भाई अभी हाँ कर दिया 100 रुपए कम कर दिया लेकिन मेरा नहीं। मैं अभी दे के आई हूँ। अच्छा नहीं आज ही के लिए कि मतलब ऑल डेज ये मुझे नहीं पता। बस में एक लेडीज बता रही मैंने कहा मेरा अभी अभी आया है। धारा तो दिख नहीं रही। धारा नहीं दिख रहा बिस्लेरी तो दिख रही। शहरों में बिस्लेरी ही दिखेगी और पहाड़ों में जाओगे तो सब धारे नजर आएंगे। मंगरा धारा क्यों नहीं था ये हमारी बिस्लेरी वाली को। मेरा जूता खोल दे रहे। और पहुंच चुके हैं हम शिव मंदिर में और यहाँ पे शिव जी की बारात की तैयारी हो रही है। ढोल नगाड़ों के साथ किया जा रहा है बारात का स्वागत। और ये आ गए हैं दर्शन करके। हो गए भाई शिव जी के दर्शन। अब बाराती हो नाचो जरा। शिव जी के दर्शन हो गए डांस करो जरा। ए भक्त गणो नाचो। शिव जी बारात जाने के लिए
देखा शिव जी की बारात किस तरीके से गई और कैसे लोगों ने शिव भक्तों ने झूम झूम कर किया डांस। तो इसी के साथ अब मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ नई चीजें लेकर के। तब तक के लिए जय बद्री, जय शिवरात्रि, जय भोले शंकर। भाई आप भोले शंकर को याद कर हर हर।